और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, एचयूटी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ उर्फ सलीम के सगे भांजे पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया है। लांबा खेड़ा के रहवासियों ने पुलिस को इसकी खबर की जानकारी दी। ईट खेड़ी पुलिस से लोगों ने शिकायत की है। सौरभ के भांजे की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर यह पूरी शिकायत की गई। युवक ने भी भोपाल में कई धर्मांतरण कराए हैं। अगर बात करें तो सौरभ से सलीम बना युवक, उसका एक जो रियल भांजा है वो भी भोपाल में रहता है, लामा खेड़ा में रहता है, और लोगों का जो कहना है कि उसने भी धर्मांतरण किया है। हम जानते हैं कि वो कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? सुव्रत जैन के नाम से उसे हम लोग सब जानते थे, और जैसा कि अभी एचयूटी में पता चला कि वो उनके जो मेन सरगना है वो सौरभ का जो है वो सगा मामा है। अच्छा। और ये जो सुव्रत है इसने भी धर्म परिवर्तन करके और मोमडन धर्म अपना लिया। हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर रह रहा है और शादी भी की उसने किसी लड़की से। हाँ, इसने एक हिंदू लड़की से शादी की है और यही रह रहा है। ऑफिस भी यही डाला हुआ है। कहाँ पर ऑफिस? यही डाला है, लामाखड़े में डाला है, डी मार्ट के पास। तो क्या लग रहा है कि इसकी जो है गतिविधि संदिग्ध होगी कुछ ना कुछ? अब जैसे अभी हमने जैसे एचयूटी ने पकड़ा, तो अब उसकी गतिविधि संदिग्ध कैसे थी वो तो आम आदमी को पता नहीं चलता है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इसकी स्थिति क्या है या ये क्या कर रहा है। लेकिन जिस तरह अभी बताया मीडियम बताया गया है कि भाई उसने धर्मांतरण भी किया, कई लोगों को करवाया भी है और फिर वो हेट स्पीच भी देता है, तो हम इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मामा है, तो हो सकता है कि ये उसी में लिप्त हो। देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। मगर फिलहाल एचयूटी मामले में एक नया अपडेट है कि सौरभ ने अपने भांजे को भी धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बना लिया था। पुलिस और एनआईए क्या इस पूरे मामले में छानबीन कर पाएगी? कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 लामाखेड़ा। जितेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र, जैसे जैसे इसकी कड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे इसकी कड़ियां खुलती जा रही हैं, बहुत हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ उर्फ सलीम नहीं बल्कि उसका भांजा, और वो भी न केवल खुद धर्मांतरित होता है बल्कि और लोगों को धर्मांतरण करवा रहा था। किन किन का करवाया, क्या कुछ पता चल पाया? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो ये पूरे मामले की कड़ियां खुलना बाकी है, क्योंकि अभी तो मेन कड़ी जो है एनआईए के हाथ लगी है। अगर बात करें तो ये जो सौरभ का फ्रेंड था तपेश तिवारी, वो भी धर्मांतरण के चंगुल में आ चुका था। अब इसके भांजे पर आरोप लगा रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मिलकर पुलिस को ज्ञापन दिया है और कल भी पुलिस आयुक्त को शिकायत करेंगे। मगर हमने जब उस सौरभ के जो भांजे सुब्रत से बात की तो सुब्रत ने इस बात से इनकार किया। हालांकि अभी ये बात में कितनी सच्चाई है कि वो उसने धर्मांतरण या मुस्लिम धर्म अपनाया है, ये सारी चीज़ अब पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। मगर पूरे ग्रामीणों ने लामबंद होकर शिकायत की थाने में कि उसकी जो है गतिविधियाँ काफ़ी संदिग्ध हैं। तो कह सकते हैं कि सौरभ और सौरभ के भांजे पर आरोप लग रहे हैं और इस तरह से एक के बाद कड़ियाँ खुलती जा रही हैं। और भोपाल के निषादपुरा में ही सौरभ की ससुराल है जहाँ वो लॉकडाउन के दौरान रहा। आचारपुरा में एक फार्म हाउस पर इन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली। तो कह सकते हैं बड़े पैमाने पर यहाँ पर और खुलासे हो सकते हैं। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़े पैमाने पर खुलासे हो सकते हैं और पूरे मामले की जांच अब एनआईए के हाथों में है। देखना होगा कि एनआईए कैसे इस पूरे मामले को इसका खुलासा करती। कड़ी दर कड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे नई जानकारियां सामने आ रही हैं और बहुत हैरान कर देने वाली जानकारियां हैं। सौरभ उर्फ सलीम, उसने धर्मांतरण किया, उसके बाद उसकी पत्नी का भी करवाया, उसके बाद उसका भांजा, सगा भांजा जो है, इसके बारे में भी स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण खुद ने भी किया और उसके बाद हिंदू लड़की से शादी कर उसका धर्मांतरण कराया, और साथ ही साथ कई और लोगों को भी हेट स्पीच देता है, कई और लोगों को भी धर्मांतरित कराया। तो एक के बाद एक जो जानकारी सामने आ रही वो बहुत हैरान कर दे रही है और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अभी तक इसकी जानकारी कैसे नहीं लग पाई और कितना बड़ा जाल ये फैला हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कब से शामिल हैं। एनआईए जांच करें।